ने कुछ गलत किया था क्या? विरल काका ने सॉरी, नंदिनी, आज हमारी पहली रात है, आवर फर्स्ट वेडिंग नाइट। डर लग रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं भी अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। क्या हुआ नंदिनी, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? Why you laughing? समझ गया, एक काम करते हैं, यू बी कंफर्टेबल, मैं बाहर जाता हूं चेंज करके। पता है बेबी, मैं एक दिन के लिए सही, लेकिन जब मैं हेमराज रतन सिंह के घर की बहू बनी ना, वो लम्हा मेरे लिए जैसे सपना हो, और मैं अभी भी उसी सपने में जी रही हूँ। मतलब मैं तुम्हें वर्ड्स में बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी हैप्पी हूँ। सीरियसली, मेरे लिए भी ना सपना सच होने जैसा था। चलो मैं ना बाद में बात करता हूँ, रूपा आ गई है, अभी बाथरूम में गई है, बाथरूम से आती होगी, ठीक है? वाह, इट्स अ शो टाइम बेबी। रूपा को बाथरूम में 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। आप अच्छा बेबी, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? बाय। नंदिनी, ओह, सो thank you.
अब आधी रात को दिमाग मत खराब करो। तुम्हें नहीं पता ये क्या है? मैंने पूछा ये किसका है। मुझे कैसे पता किसका है ये? तुम पहनती हो, तुम्हारा होगा। ये मेरा नहीं है। तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड यहाँ आई थी ना, उस कमीनी को तुम यहाँ लेकर आ गए थे। रौनक, रौनक मेरा हाथ छोड़ो। क्यों, दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे मारने का मन कर रहा है? ये ले। मन तो मुझे बहुत कुछ कर रहा है। वो यहाँ आई थी ना, वो इस घर में आई थी ना, और उसका सबूत है ये अंडरगार्मेंट और नरेन भाई के तकिए के नीचे से मिले लंबे लंबे बाल। तुमने नरेन भाई का कमरा यूज किया? बोलो मुझे, तू होती कौन है पूछने वाली? बोल ना। मैं कौन होती हूँ? मैंने कहा जवाब दो मुझे। बताओ मुझे, क्या नैनी घर पर आई थी? हाँ हाँ आई थी, आई थी यहाँ मेरे कमरे में। तुम्हारे कमरे में और उस नई नवेली दुल्हन के कमरे में, नंदिनी के कमरे में, दोनों के कमरे में आई थी। हाँ आई थी वो तो। वाह मेरे शेर, क्या बात है, सही जा रहे हो। ये रौनक ने किया है ना? अब ये बता, ये कब से चल रहा है तेरे साथ? बोल रूपा। काकी, काकी आप तो जानती है ना, मेरी शादी उनके साथ किन हालात में हुई थी। बड़े तो ये सोचकर रिश्ता जोड़ देते कि आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा, पर हर बार ऐसा नहीं होता। मोटा बापू को लगा था कि हमारी शादी के बाद वो उस लड़की नैनी को भूल जाएंगे, पर वो तेरे साथ ज्यादती करता रहा और तू मुंह बंद करके चुपचाप सब सहती रही। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी रूपा। नहीं, मम्मी जी, मोटा काकी, जलपा दीदी, सबको बताया था मैंने कि रौनक तुम मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, पर उन सब ने यही कहा कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। जो लोग वक्त के भरोसे बैठे रहते हैं ना, उनका वक्त कभी नहीं आता बेटा। तू चल मेरे साथ। नहीं काकी, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, प्लीज रहने देते हैं ना। मैंने कहा चल मेरे साथ। मैं काकी, हेतल काकी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रूपा कहाँ? रूपा होगी यहीं कहीं, कहाँ जाएगी? आवाज लगा। रूपा, जोर से आवाज लगा। रूपा, और जोर से आवाज लगा ताकि तेरी आवाज घर से बाहर तक जा सके। आ गई रूपा। आई तो ये कुछ साल पहले थी तेरी जिंदगी में, अपनी दुनिया छोड़कर तेरी दुनिया बसाने, लेकिन तूने इसकी दुनिया नरक बना दी। आपको इसका दर्द देख गया, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तुझे किसी ने रोका था मोटा भाई के खिलाफ आवाज उठाने से? उनके सामने तो तेरी जुबान नहीं खुलती और पत्नी पर हाथ उठ जाता है क्योंकि वो तेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाती। इधर देख, रूपा सिर्फ तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो रतन सिंह खानदान की बहू है। अगर आज के बाद तूने इसके साथ खींचातानी की ना, तो मैं खुद तुझे खींचती हुई मोटा भाई के सामने लेकर जाऊंगी, और फिर तेरा क्या हाल होगा तू अच्छी तरह से जानता है।
भर दिए काकी के कान मेरे खिलाफ, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंड। तू सबको मेरे खिलाफ भड़का कर ये बिस्तर तो हासिल कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं, समझी? गुड मॉर्निंग भाई जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताइए, मेरी तस्वीर ज्यादा सुंदर है या मैं? सच कहूं या झूठ? सच। तुम नंदिनी। नंदिनी, तुम्हारी ये जो तस्वीर है ना, जब तुम मेरे पास नहीं होती, तुम्हारे पास होने का एहसास दिलाती है। अच्छा है, आप पेंटिंग करने के साथ साथ कविता भी कर लेते हैं। और किन किन चीजों का शौक है आपको? शौक नहीं, प्यार है आपसे। और वो भी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.